हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में मिश्रा सिनी ब्लॉगर। तो ये ब्लॉग चैनल है मेरा। तो आज मैं एक मेन टॉपिक में बात करना चाहता हूँ जो कि सौरभ जोशी के ऊपर है। ये इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर है, जिन्होंने एक वीडियो में ये कहा था कि उत्तराखंड और हल्द्वानी को वो मेरे वीडियो के थ्रू लोग जानते हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, जो कि अब लोग मेरे वीडियो के थ्रू जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हल्द्वानी को सब जानते हैं और सबको पता है उत्तराखंड का जो मेन द्वार है वो हल्द्वानी है। तो यहाँ पे सौरभ जोशी जी ने बहुत गलत कहा है, मुझे भी बुरा लगा। मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनके मुंह से सडनली अचानक ही निकल चुका है, ऐसा गलत बात निकल गया है। तो गाइस, इसी बात को, मतलब जो ये गलत कहा है उन्होंने, इसी बात को लेकर हर किसी के मुँह में देखा हूँ मैं। मतलब हर कोई कह रहा है सौरभ जोशी कैसा है, क्या है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा। सो गाइस, एक छोटी सी बात को आप इतना बड़ा इशू बना के उस बात को बहुत बड़ा बना दिया आपने। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ही लोगों ने गलत कहा है कि कल का बच्चा है, अभी ये छोटा ही है, बच्चा ही है, ऐसा नहीं पता है तो उनको नहीं बोलना चाहिए, बहुत कुछ कहा है। सही बात है, उनको भी बुरा लगता है, बट लोगों ने कुछ ज़्यादा ही छोटे से बात को बड़ा इशू बना दिया है। तो गाइस, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं सौरभ जोशी व्लॉग्स, और मैं उनके डेली व्लॉग्स देखता हूँ। बट गाइस, इसी टॉपिक में मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ना चाहता था। तो उनके हेटर्स के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी उनके हेटर्स हैं, जो उनको हेट करते हैं, जो अच्छा नहीं मानते उनको, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सौरभ जोशी को इतना बुरा ना कहिए, क्योंकि सौरभ जोशी बहुत अच्छे इंसान हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं, तभी वो आजकल प्रेजेंट में उन्होंने 18.8 मिलियन समथिंग सब्सक्राइब्स गेन किए हैं, जो कि अपने आप में बहुत गर्व वाली बात है। तो बहुत मेहनत करते हैं वो, पूरा दिन व्लॉग बनाते हैं, उसके बाद उसको रात को एडिट करते हैं, फिर अगले दिन अपलोड कर देते हैं। तो इतना मेहनत करके वो यहाँ से यहाँ पहुँचे। तो गाइस, आप लोग के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जो उनके हेटर्स हैं उनको बोलना चाहता हूँ मैं, तो आप उनको डाउन ना करिए, बल्कि आप मेहनत करके आप भी उनको पिछाड़ के उनके ऊपर जाइए, उनसे भी टॉप करिए। तो मतलब हमारे भारत के नंबर वन व्लॉगर है वो, तो उनको नीचे खींचने की वजह आप भी मेहनत करके उनसे भी आगे जाइए। तो इतना गलत, छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, ये गलत है। मुझे बुरा लगा तब मैंने इस टॉपिक में वीडियो बनाया, वरना मेरा ऐसा कोई नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ। मैंने बहुत वीडियो देखा तो बहुत ही गलत कहा है लोगों ने। मतलब अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई मतलब सौरभ जोशी को, मतलब उन पर रौब जमाना चाह रहे हैं, इस टाइप का कर रहे लोग, जैसे कि हम ही बड़े हैं, सौरभ जोशी कुछ नहीं है। अरे भाई, उनका चैनल खोल के देखो, सब्सक्राइबर देखो, उनकी पूरी दुनिया जानती है उनको, और आप हो कि मतलब एक छोटी सी गलती के लिए उनको, मतलब गलत में गलत उसको, बंदे को इतना डाउन कर दे रहे हो आप। उनको, आपको तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के नंबर वन ब्लॉगर है। बात तो सही है। सो ऐसा गलत है, ऐसा ना करिए। हाँ, मुझे लगता है कि आपको गलत लगा होगा कि उन्होंने कहा है कि पहले हल्द्वानी कोई नहीं जानता था, तो आप मेरे वीडियो के थ्रू जानते हैं। तो आप एक बार क्लिप आप खुद ही देख लीजिए, तो एक बार क्लिप देखिए। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है। सो गाइस, देखा उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है, ये गलत कहा है उन्होंने, मुझे पता है गलत कहा है। हेटर्स को बहुत बुरा लगा होगा उनके ऊपर, बट इतना भी मतलब नहीं गिराना चाहिए किसी को, मतलब इतना भी गलत नहीं कह देना चाहिए कि मतलब पूरा आप उस पर रौब जमाओ उनका। भाई बहुत उन्होंने प्रोग्रेस किया अपने लाइफ में, बहुत ही मतलब मेहनत की है, तो आप उनको इतना गलत नहीं। उन्होंने कहा है कि पहले उत्तराखंड और हल्द्वानी कोई नहीं जानता था, मेरे वीडियो को थ्रू लोग जानते हैं। तो ऐसा गलत है, बिल्कुल ही गलत है। आपको भी पता है और हमें भी पता है, और सौरभ जोशी को भी पता है कि उत्तराखंड अपने आप में बहुत फेमस है, भारत का सबसे फेमस राज्य है उत्तराखंड। और हल्द्वानी की तो बात ही अलग है, हल्द्वानी की तो पहाड़ों का द्वार है और उत्तराखंड का मेन द्वार तो हल्द्वानी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। तो मैं उनके हेटर्स से कहना चाहता हूँ कि छोटी सी बात को बड़ा इशू नहीं बनाएं, तो आप मेहनत करिए और सौरभ जोशी को पिछाड़ के आप अपने आप को ऊपर टॉप में जाने की कोशिश करिए, बट ना कि टॉप में गए वाले लोगों को नीचे खींचे, ऐसा गलत है। तो मुझे बुरा लगा इसलिए मैंने वीडियो बनाया, वरना मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था। और मुझे पता है कि मतलब जैसे ही सौरभ जोशी को पता चला होगा कि मतलब उनके बारे में इतने बातें हो रही है, जो उनके मुँह से गलत बातें निकल गई थी, तो सडनली जैसे उनको पता चला, वैसे ही उन्होंने मतलब एक सॉरी का वीडियो बनाया है।
वो गए थे कहीं बाल वाटिका स्कूल है शायद हल्द्वानी के आसपास ही है कहीं शायद, मुझे उतना आइडिया नहीं, मैंने ध्यान से नहीं देखा। तो उस वीडियो में उन्होंने कहा है, आप देख सकते हो। तो भी गाइस मुझे आपसे एक बात करनी थी, मैं भी एक दो दिन से देख रहा हूँ काफी लोग ना उत्तराखंड के काफी कुछ बोल रहे हैं। मैंने एक ब्लॉग में बोल दिया था कि उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो कि मेरे ब्लॉग के थ्रू, मैंने ये नहीं बोला था कि मेरी वजह से जानते हैं, मैंने ऐसे बोला था कि मेरे ब्लॉग के थ्रू लोग देख रहे हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड को, बस मैंने ये बोला था, मेरा ये मतलब था कि मेरी वजह से जानते हैं। तो हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अगर किसी को फिर बुरा लगा तो मेरी तरफ से सॉरी। देख सकते हो उन्होंने सॉरी मांगा है सबसे, मतलब माफ़ी मांग ली है सबसे, तो बहुत अच्छी बात है, ये माफ़ी मांग ली है। तो उन्होंने ये कहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मुझसे, और मैंने ये नहीं कहा कि लोग मतलब हल्द्वानी मेरे वजह से फेमस है, उन्होंने ये कहा है कि उनका कहने का मतलब ये था कि मेरे वीडियो के थ्रू लोग हल्द्वानी को देख पा रहे हैं, ये भी सही बात है। जैसे मान लो कोई बुड्ढे हैं, कोई बुजुर्ग हैं, गाँव में रहते हैं, तो वो उनके वीडियो देख के, तो उनके वीडियो के थ्रू तो हल्द्वानी को देख पा रहे हैं, तो ये बात भी सही है उनका कहना भी। बट वो जो उनने पहले गलती की है वैसा नहीं कहना चाहिए, मतलब आपको भी बुरा लगा होगा तब आपने इस टॉपिक में मतलब वीडियो बनाया, बट इतना भी मत बनाओ ना, इतना भी मत कहो, आप तो बिल्कुल ही फिर रॉक जमाने से कर, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है ये। तो गाइस अपनी लाइफ है जियो मस्त तरीके से और खुश रहो, ओके। तो गाइस इतना ही कहना था मैंने आपसे। तो एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी पब्लिक इसको देख रही है और जो जो सौरभ जोशी के सब्सक्राइबर्स है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और उसके बाद कुछ कहना हो या कुछ बताना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो गाइस मुझे भी सपोर्ट करिए, और ये मेरा व्लॉग चैनल है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और बहुत जल्द मिलेंगे। सो बाय गाइस एंड टेक केयर, सो बाय बाय।